क्लास टेंथ चैप्टर 2 3.2। इससे आप पहले आपने प्रश्नावली 1, 1.2, 3 जितनी भी है वो कर चुके हैं और उसके बाद दूसरी प्रश्नावली भी आप पूरी कर चुके हैं। इसके बाद हमारा ये क्लास टेंथ का चैप्टर 3.2। 3.1 हम करा चुके हैं आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं आपको इसके बारे में मैंने बता दिया, और ग्राफीय निरूपण करना, समीकरण निर्माण करना, वो पहले चैप्टर के एक क्वेश्चन से आपको हल करके बता दिया गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 3.2 प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कह रहा है इसमें। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाकर, यानी कि कुछ समस्याएं दी गई है जिसमें रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं, युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। उनका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, समीकरणों के युग्म बनाने हैं और ग्राफीय विधि से उनको हल करना है। चलिए देखते हैं इसका पहला क्या कहता है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं जिन्होंने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रतियोगिता में जिन लड़के व लड़कियों ने भाग लिया है उनकी हमें संख्या अलग अलग बतानी है। उसने क्या कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है और कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे? 10। तो चलिए इस प्रश्न का हल किस प्रकार करते हैं। चलिए देखते हैं हल किस प्रकार है। हल सबसे पहले हम लड़कियों की संख्या मान लेंगे और लड़कों की संख्या मान लेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो चर मान लेंगे। मानेंगे हम, माना लड़कों की संख्या 1 है, एक चर हो गया हमारा। दूसरी संख्या हम मानेंगे लड़कियों की, दूसरा चर z, लड़कियों की संख्या वाई है और कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे? x + y = 10। यानी कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या कितनी है? 10। देखिए यहां पर कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, हमें मालूम नहीं है। बस हमें तो ये मालूम है कि टोटल विद्यार्थी 10 हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, x + y = 10। यानी कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या 10 है हमारी, ठीक है। ये इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, यानी कि स्थिति नंबर 1। इस प्रकार से ये एक स्थिति बन गई है हमारी। तो दूसरी स्थिति कैसे बनेगी? यहां से बनेगी, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। हम क्या लिखेंगे यहां पर? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कियों की संख्या बराबर
संख्या से चार अधिक। देखिए यहां से एक बात समझने की है, जहां पर आपको अधिक दिया जाए तो वहां पर हम जोड़ देंगे और जहां पर कम दिया जाए तो वहां पर हम घटा देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए यहां पे लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या से चार अधिक, तो लड़कियों की संख्या हमारी कितनी है यहां पर वाई, और लड़कों की संख्या कितनी मानी हमने एक्स, और इससे कितनी अधिक है लड़कियों की संख्या चार अधिक, तो प्लस में हम इसके चार कर देंगे। तो यहां से क्या करेंगे, एक्स हमारा इधर प्लस का है, इसे इधर ले आएंगे वाई की तरफ, तो वाई माइनस एक्स बराबर चार। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर टू, स्थिति नंबर दो। अब उसने ये भी पूछा है कि भाग लिए लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात की, तो हम कहेंगे समीकरण नंबर एक व समीकरण नंबर दो को जोड़ने पर कर लो या घटाने पर कर लो, ठीक है। जोड़ने पर समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, एक समीकरण नंबर एक क्या है हमारी x प्लस वाई बराबर दस, और समीकरण दो क्या है हमारी y माइनस एक्स बराबर चार। तो जोड़ने पर क्या होता है, जोड़ने पर हमारे चिन्ह नहीं बदलते हैं, जो के तो हमारे चिन्ह रहते हैं। ये प्लस है तो प्लस रहेगा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक वाई प्लस का, एक वाई ये है प्लस का, तो वाई हो गए हमारे टू, टू वाई हो गए। इधर से ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स, ये आपस में कट गए, खत्म हो गए। उधर कितना आ गया हमारा दस और चार चौदह, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे ये दो इसके वाई के साथ गुणा में है, उधर जाके भाग में चला जाएगा, यानी कि चौदह बट्टा दो हमारा, दो से इसे डिवाइड कर देंगे, दो सते चौदह। तो यहां से y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी सात आ गई, और हमने y को क्या माना था लड़कियों की संख्या, तो यहां से हमारी लड़कियों की संख्या कितनी आ गई सात, यानी कि हमारी सात लड़कियां हैं उसमें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लड़कों की संख्या के। अब लड़कियों की तो संख्या हमें मिल गई सात है, अभी लड़कों की संख्या और ज्ञात करनी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, y का मान, y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण एक में रख देंगे, तो समीकरण एक हमारी क्या है, ये यह है यहां पे, तो x प्लस y का मान आया है हमारा सात और बराबर दस, तो इधर से x बराबर ये सात इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और x बराबर आ गया तीन। तो लड़कों की संख्या हमने x मानी थी, लड़कों की संख्या आ गई तीन, और लड़कियों की संख्या हमने y मानी थी, तो ये क्या आ गया हमारा सात। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः लड़कों की संख्या बराबर तीन है, वे लड़कियों की संख्या बराबर सात है। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये जो हमारी समीकरण है, समीकरण नंबर एक व समीकरण नंबर दो, तो इसका हम ग्राफीय निरूपण देखते हैं, इसका ग्राफीय निरूपण देखते हैं। लड़के व लड़कियों की संख्या तो हमारी आ गई है, लड़कों की संख्या तीन आई है, लड़कियों की संख्या सात आई है, लड़कियां लड़कों की संख्या से चार ज्यादा हैं, हो रही है कंडीशन पूरी। तो अब इसे हटा करके ग्राफीय निरूपण देख लेते हैं इसका। तो देखिए एक समीकरण हमारी क्या आई थी, एक्स प्लस वाई बराबर दस, और दूसरी क्या आई थी, वाई माइनस एक्स बराबर चार, ठीक है, इस प्रकार से। तो ग्राफीय निरूपण के लिए मैंने आपको समझाया है प्रश्नावली 3.1 में
कि इस प्रकार से हमारा ग्राफ आएगा और ये जो सीधी खड़ी हुई लाइन होती है इसे वाई अक्ष बोलते हैं और इसे जो दाएं बाएं वाली होती है इसे एक्स अक्ष बोलते हैं और यहाँ पे ये हमारे मूल बिंदु होते हैं जिन्हें हम जीरो जीरो बोलते हैं। ठीक है, ये मूल बिंदु होते हैं जीरो जीरो। ऊपर की ओर जाएंगे वाई एक्स पे मान हमारा प्लस में आएगा, बढ़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, 10 तक मैंने मान मान ली, ऐसे ही इसमें माइनस में नीचे की ओर आएगा, माइनस वन नीचे की ओर माइनस में चला जाएगा हमारा मान। इधर ऐसे आपके बाई ओर जैसे मैं हूं अभी तो आपका क्या होगा, प्लस में होगा इस साइड मान और इधर पीछे की साइड माइनस में होगा हमारा मान। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और यहां पे क्या होगा हमारा, यहां पे होगा माइनस में। माइनस का टेन इस प्रकार से। चलिए देखते हैं हम पहले एक्स प्लस वाई के लिए, यहां पे इस प्रकार से लिख लेंगे एक्स अपॉन वाई, ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ये बिल्कुल सरल विधि है सभी बच्चों के लिए। तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एक्स प्लस वाई बराबर दस के लिए देखते हैं। तो एक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे, सबसे पहले एक्स की वैल्यू जीरो, ये लो भाई। जब हमने x की वैल्यू जीरो रख दी तो y बराबर क्या आ गया हमारा, 10 आ गया। अब y की वैल्यू जीरो रख देंगे, जब ये y जीरो हो गया तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। ठीक है, तो इसे इस प्रकार दर्शा देंगे, x के मूल बिंदु कितने आए, x के मान जीरो दस और y के दस और जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले दर्शाते हैं x जीरो ये रहा और y का दस ये रहा प्लस। ठीक है, यहां पर और फिर y का जीरो ये रहा यहां पे और x का दस ये रहा यहां पे। तो हम इस प्रकार से इनको मिला सकते हैं, ये इस प्रकार का हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए करके देख लेंगे। एक बार x बराबर जीरो रखेंगे, फिर y बराबर जीरो रखेंगे, फिर उसे दूसरे साइड ग्राफ बना के उस पर दर्शा देंगे। ये होता है हमारा ग्राफीय निरूपण। 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, अच्छे से आपको इजीली समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए प्रश्न नंबर 2 को हल करने से पहले हम थोड़ा सा इन इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार से हमारी समीकरण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, समपाती होंगी, समांतर होंगी। तो आइए थोड़ा इसके बारे में समझा दे ताकि आपको दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम न हो। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देखिए जरा इसे समझाते हुए चलते हैं। सबसे पहले ये रेखा युग्म है, आपको दो रेखाएं दे देगा, यानी कि रेखा युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। तो आपको दो समीकरण दे देगा, एक तो उसने दे दी है एक्स माइनस टू वाई बराबर जीरो, कुछ भी दे सकता है। दूसरी दे दी है 3x प्लस 4y माइनस के 20, तो इसको मानेंगे हम a, इसको मानेंगे a1, b1 और c1 और यहाँ पे a2, b2 और c2, दूसरी में a2 नाम दे देंगे, पहले को a1। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या होता है, a1 अपॉन a2, a1 यानी कि इसकी वैल्यू x के साथ यहाँ गुणांक में कितना है 1, यहाँ पे 3, तो a1 अपॉन a2 1/3 आ गया हमारा। अब आगे दिखाते हैं b1 अपॉन b2, B1 की वैल्यू माइनस के 2 रख दिया हमने, B2 की वैल्यू 4 ये रख दिया यहाँ पे। अब देखा C1 की वैल्यू कितनी, यहाँ पे C नहीं दे रखा है तो 0 होगी, और C2 की वैल्यू माइनस के 20 तो माइनस के 20। तो यहां से आपने देखो क्या जाना, A1 अपॉन A2 ठीक है ये रहा डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी कि A1 अपॉन A2 का मान B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं आ रहा है।
देखो ये एक बटा तीन है और ये अगर हम इसे डिवाइड करें दो एकम दो, दो दूनी चार, यानी कि एक बटा दो आएगा और वो भी माइनस का, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब इस प्रकार की स्थिति हो ए वन अपॉन ए टू और बराबर न हो किसके बी वन अपॉन बी टू के, तो रेखाएं हमारी क्या होगी ग्राफीय निरूपण में प्रतिच्छेद करती हुई, एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। और बीजगणितीय निरूपण क्या कहेगा इनका कि केवल एक हल, यानी कि इनका क्या है सिर्फ एक ही हल हो सकता है, उसके अलावा कोई हल नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं दूसरी स्थिति, इसमें रेखा युग्म दिया है 2x प्लस 3y माइनस 9, यानी कि a1x प्लस b1y माइनस c इस प्रकार से दिया है और a2x b2y और c2 ये दिया है। तो सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 करके दिखाते हैं, a1 की वैल्यू c 2 और a2 की वैल्यू 4, यानी कि 2 बट्टा 4, ठीक है। अब b1 अपॉन b2, यहाँ पे b1 की वैल्यू 3 b2 की वैल्यू 6, इस प्रकार से ये रख दिया। अब c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू माइनस के 9 और c2 की वैल्यू माइनस के 18। तो यहाँ पे देखो सारे मान हमारे बराबर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं देख लो एक बार, दो एकम दो, दो दूनी चार, यानी कि एक बटा दो आ गया इसका मान, और यहाँ पे तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, इसका भी मान एक बटा दो आ गया। और यहाँ पे देखो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा नौ बटे अट्ठारह, नौ एकम नौ, नौ दूनी अट्ठारह, यानी कि ये भी एक बटा दो, ये भी एक बटा दो, ये भी एक बटा दो। तो इससे आपने क्या समझा कि ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू और बराबर सी वन अपॉन सी टू के है। तो जब ये कंडीशन आपको दिखाई दे के सारे बराबर हों तो हमारा ग्राफीय निरूपण क्या होगा, संपाती रेखाएं। और इसके हल कितने होंगे अगर बीजगणितीय रूप पूछा तो अपरिमित रूप से अनेक हल, इनके कितने हल होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि इसके बहुत सारे हल हो सके। कैसे हो सके एक बार समझ लो, माना हमने दो से गुणा इसमें करा दी, दो से इसमें करा दी, दो से इसमें, दो से इसमें, दो से इसमें, तब भी हमारा मान एक बटा दो, एक बटा दो, एक बटा दो ही आएगा। तीन से करा दो तब भी यही आएगा, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं तीसरी कंडीशन की ओर, एक्स प्लस टू वाई माइनस चार बराबर जीरो, समीकरण नंबर एक दी है आपको, यानी कि एक रेखा, और दूसरी रेखा दी है टू एक्स प्लस चार वाई माइनस के 12। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू एक बटा दो, b1 अपॉन b2 की वैल्यू दो बटा चार, c1 अपॉन c2 की वैल्यू माइनस के चार बटा माइनस के 12। तो यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 आ रहा है, लेकिन इक्वल नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के, ये नहीं है बराबर। तो कैसे देखिए, ये तो एक बटा दो दे दिया और ये दो एकम दो, दो दूनी चार, ये भी एक बटा दो आ गया, ये माइनस से माइनस कट गया, चार एकम चार, चार दिया बारह, यहाँ पे एक बटा तीन आ गया, तो ये बराबर सी वन अपॉन सी टू की वैल्यू बराबर नहीं है। तो इस प्रकार की कंडीशन जब आ जाए कि ए वन अपॉन ए टू बराबर हो जाए बी वन अपॉन बी टू के और डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो आपका क्या होगा कि ये रेखाएं समांतर है, समांतर रेखाएं हैं और कोई हल नहीं है, इसका कोई भी हल नहीं है, ठीक है। तो आप जान गए होंगे कंडीशन क्या है हमारी, यदि ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हो तो हमारी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, केवल एक हल, और जब तीनों बराबर आ जाए मान तो संपाती रेखाएं और अपरिमित रूप से अनेक हल, और जब ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू बराबर आए और ये इनके बराबर न आए तो हमारी समांतर रेखाएं होंगी और इस प्रकार की कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसे अच्छे से एक बार समझ लेंगे, बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की।